हेलो नमस्ते जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ व्रत का स्पेशल थाली, जिसके अंदर हम बनाएंगे आलू की सब्जी, सिंघाड़े और राजगिरी के पराठे। आज मैं ये जो सब कुछ बना रही हूँ, ये मेरे घर का एकादशी का फिक्स मेन्यू होता है, और उसी के साथ हम डेजर्ट में सर्व करेंगे सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए उसके अंदर 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी के अंदर बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है ये, और हाँ, जब भी व्रत में खाना खाए तो घी का ही बना हुआ खाए। तो अभी हमारे यहाँ पे घी गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा हमारा चटक जाए, तो यहाँ पर मैंने आलू कटिंग करके रखे थे, और आप देख सकते हैं मैंने आलू को छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करा है। तो अब हम इसके अंदर वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने व्रत का नमक लिया है, जिसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ। अगर आप व्रत में हल्दी नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे, जिससे हमारे जो आलू है वो जले नहीं और जल्दी पक जाए। अब इसके ऊपर हम इसको ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट तक आलू के गलने तक पकाएंगे। जब तक हमारे आलू यहाँ पर गलने जाते हैं, तब तक हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब इसके अंदर हम रस्से के लिए पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर इसके अंदर गर्म पानी डाला है, ताकि जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो मेंटेन रहे। आलू के अच्छी तरीके से पक जाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 कटिंग करे हुए टमाटर लिए हैं, और साथ ही 1 हरी मिर्ची है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं, मट्ठा डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, और फिर जब टमाटर डालने के बाद 1 बॉईल आ जाए, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब इसके अंदर मैं हरा पुदीना डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो धनिया ले लें। मेरे यहाँ पर व्रत के अंदर धनिया नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर पुदीना डाल रही हूँ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हम आलू के पराठे बनाते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप राजगिरे का आटा लिया है, और उसी के साथ मैं इसके अंदर 1/2 कप जो सिंघाड़े का आटा है उसके अंदर डालेंगे। सिंघाड़े के आटे डालने से इसमें लोच बनी रहती है, और पराठे बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। तो अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। तो अब इसके अंदर हम नमक डाल के एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, ये ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही डालें। तो इस तरीके से हम आटे को हथेली के इस साइड से मथेंगे, ताकि जो पराठे बनाते समय हमारे जो पराठे हैं वो क्रैक ना हो। मैंने इस पे यहाँ पर इस साइज़ की बॉल ली है, इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे करके आप यहाँ के हाथों की इस साइड पे प्रेस करके इसको ऐसे ऐसे बनाएं, तो वो बहुत ही ईजीली बनेगा। और मैं हाँ दूसरी तरीका भी बताऊँगी, अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा है तो आप दूसरे तरीके से भी बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे हॉट तवे पर डाल लेंगे, जहाँ से आपको अगर किनारों से मोटा लग रहा है तो आप उसको प्रेस करके पतला कर दें। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा गोल नहीं है, बट बहुत ही परफेक्ट और पतला बना है। एक साइड से थोड़ा सिक जाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो इसके ऊपर हम ऐसे घी को स्प्रेड करेंगे, और दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसके ब्राउन और क्रिस्प होने तक इसको सेक लेंगे।
और हाँ, इसको सेकते समय गैस की फ्लेम एकदम लो टू मीडियम पे रखें। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप हाथों से नहीं बना पा रहे हैं तो पार्चमेंट पेपर या वाटर पेपर पे ऐसे डो रखिए और फिर ऊपर से एक और बटर पेपर लगाएं और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से पतला पतला बेल लें। और बहुत ही हल्के हाथों से हम बटर पेपर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही इजीली ये पराठा बेल के तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से हम बहुत ही हल्के से इसको बटर पेपर को दूसरी साइड रखेंगे और हल्के हल्के इजी हाथों से इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अभी हमारा पराठा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा बना है। और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक के तैयार कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सिंगाड़े का हलवा बनाने के लिए पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने एक कढ़ाई ली है, मैं यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं। हलवे में जितना घी डालो उतना ही टेस्टी बनता है। मेरी तो श्रद्धा इतनी थी इसलिए मैंने इसके अंदर इतना डाला है। तो भी हमारा यहाँ पे घी गर्म हो गया है। इसके अंदर हमने जो सिंगाड़े का आटा लिया था वो डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर आधे कप सिंगाड़े के आटे से हलवा बना रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे हिलाते रहेंगे। अगर आटा डालते टाइम अगर आपको लगे कि आपका घी कम है तो आप घी ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर मेरा यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें अपने सिंगाड़े का हलवा बनाना है। अभी ये जो हमारे सिंगाड़े का आटा है उसका कलर ब्राउन हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो गया है। तो इसके अंदर हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। ध्यान रखें कि इसमें पानी धीरे धीरे करके डालें। इसको ऐसे कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि जिसमें जो गुठलियाँ बनी हैं वो बिखर जाए। और इसको फटाफट चलाएं। अगर आपने देर कर दी तो शायद इसमें गुठलियाँ बन जाए और आपका हलवा अच्छा ना बने। पानी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम हाफ कप शुगर डालेंगे। ये हलवा थोड़ा मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसको मीठा बनाएंगे। तो अभी हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने कितनी ही ईजी तरीके से आलू की सब्ज़ी, सिंगाड़े के पराठे और जो सिंगाड़े का हलवा है वो बनाकर तैयार करा। मेरे घर पे जब भी एकादशी का व्रत किया जाता है तो इसी थाली को मैं सबको सर्व करती हूँ, तो सबको बहुत ही पसंद आती है। तो आई होप कि आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही ईजी रेसिपी के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।